एक तरफ जहां पूरा देश मन की बात का 100वां एपिसोड मना रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद व संसद रत्न श्री गोपाल शेट्टी ऐसे तो कई कार्यक्रमों में शिरकत किए, लेकिन सबसे अहम कार्यक्रम रहा बोरीवली रेलवे स्टेशन पर मोची समाज के बीच, बूट पॉलिश समाज के बीच बैठकर जमीन पर उन्होंने मन की बात सुनी। यह तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली रही। इसके अलावा सांसद गोपाल शेट्टी बोरीवली नेशनल पार्क के आदिवासी समाज के बीच मन की बात सुनी। इस दौरान सांसद गोपाल शेट्टी आदिवासी महिलाओं को अपने पास बुलाकर उनके बीच बैठकर मन की बात सुनी। मन की बात इस दौरान सांसद गोपाल शेट्टी ने ऑटो रिक्शा चालक और ऑटो रिक्शा के तमाम पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट देकर उन्हें कपड़े भी वितरण किए। दूसरे देशवासी ऐसी कई तस्वीरें महाथाना विधानसभा और बोरीवली विधानसभा में देखने को मिली, जहां सांसद गोपाल शेट्टी ने ऐसे मन की बात के दौरान कई ऐसे आश्चर्यचकित कर देने वाले कारनामे किए। फिलहाल देखिए तस्वीरें कि किस तरह से सांसद गोपाल शेट्टी उन छोटे बच्चों को अपने पास बुलाकर मन की बात के दौरान सुनते नजर आए। देखिए खास तस्वीरें। वास्तव में आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति तो सामने बैठे आप हैं सब, जिनके कारण हमने आज का इस कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना मन की बात की 100वीं एपिसोड में आज हम उपस्थित हैं मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क में, जहां पर आदिवासियों के बीच में सांसद गोपाल शेट्टी मन की बात सुन रहे थे। इसी जहां पर सांसद गोपाल शेट्टी बोरीवली के रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश वालों के साथ जमीन पर बैठकर मन की बात सुनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सांसद जी से हम रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। सांसद जी, आप देख रहे हैं कि आदिवासियों के बीच में भी आप यहां बैठे हैं और वहां भी तस्वीरें आई कि आप जमीन पर बैठकर उनके साथ जो है मन की बात सुन रहे थे। क्या संदेश है, देश जो है 100वां एपिसोड मना रहा है, एक सेलिब्रेशन के तौर पे देख रहा है। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, देशवासियों की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना बड़ा अभिनव कल्पकता से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आज 100 एपिसोड पूरे हो गए। इस 100 एपिसोड के माध्यम से उन्होंने देश के हर तबके के लोगों को जोड़ने का काम किया, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर करने वाला हो, आदिवासी हो, उच्च श्रेणी के लोग हो, सभी समाज को सबका साथ और सबका विकास की जब वो बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 9 साल में सब समाज को स्पर्श करने का उन्होंने काम किया। संघ का एक गीत है, 1992 से जब संघ का प्रारंभ हुआ था 1925 में, तब से ये गीत गाया जा रहा है, सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ के जाना, और उस गीत का साक्षात्कार देश के प्रधानमंत्री ने करके बताया। आपने सही बात बताया कि बोरीवली रेलवे स्टेशन पर जब मैं गया तो वहाँ पर हमाल बंधुओं ने मुझे बुलाया था। अब वो कष्टकारी लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, कोई कुर्सी वगैरह की व्यवस्था नहीं थी तो वो ज़मीन पर बैठे थे, तो मैं भी उनके साथ में ज़मीन पर बैठ गया। मेरे लिए उन्होंने कुर्सी की व्यवस्था की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कल्पना के अनुसार वो शूट नहीं होता है और मेरे स्वभाव को भी वो शूट नहीं होता, तो मैं ज़मीन पर बैठ गया। यहाँ पर हमारे MLC प्रवीण दरेकर जी ने ये आदिवासियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था की है मन की बात। अब यहाँ भी इनके लोगों के साथ में भी मुझे अगर ज़मीन पर बैठने का अवसर प्राप्त होता तो मैं बैठ जाता था, लेकिन प्रवीण दरेकर जी ने व्यवस्था किया है तो मैं मानता कि इनके जीवन में भी एक बार अच्छे सोफ़ा पे, अच्छे कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था मिली है तो उनको भी उसका आनंद आया होगा। तो जैसे जहाँ पर व्यवस्था है होती है वैसे अपने आप को ढाल लेने का ही मेरा स्वभाव बना है, तो वहाँ ज़मीन पर बैठा उसका आनंद मुझे मिला, यहाँ पर आदिवासियों के साथ में एक अच्छी व्यवस्था में बैठ रहा हूँ उसका भी मुझे आनंद मिल रहा है। लेकिन कुल मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्पना है, जो जैसे है वैसे आप हो जाओ, और कल्पना ये करो कि देश का सबसे ज़्यादा सुख भोगने वाला व्यक्ति है वो आने वाले कुछ सालों में वो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति को वहाँ पर वहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था हो जाए, और देश के प्रधानमंत्री ने करके बता दिया। देश के आज जो राष्ट्रपति मुर्मू जी है, कहाँ से लाभ उठाकर कहाँ उनको बिठा दिया। तो मोदी जी के संकल्पना का न्यू इंडिया की जो बात करते हैं वो न्यू इंडिया हमको आने वाले दिनों में ज़मीन पर उतारने का काम करना पड़ेगा, और ज़मीन पर उतारना अगर हमको है तो जो जैसे है वैसे आप हो जाओ। संघ का और एक वाक्य मुझे याद आता है, संघ हमेशा ये कहता है कि जो जैसा है वैसा उसको स्वीकारो और जैसा आपको उसको बनाना है वैसे बनाओ, यानी जो जैसा है वैसा उसको स्वीकारो और उसके बाद में आपके मन के कल्पना के अनुसार उसके जीवन में आप बदलाव लाओ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, मैं सुकून महसूस करता हूँ ये 100 एपिसोड जब पूरा हुआ
तो पूरे देश के लोगों को एक साथ लाने का काम उन्होंने किया। अब जो देखा हमने विषय, उस पर आज़ादी का जब अमृत महोत्सव हमने बनाया, तो उसके पहले से तैयारी कर कर हर घर तिरंगा झंडा, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी कल्पना है। 74 साल में किसी के मन में इस प्रकार की कल्पना नहीं आई, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन में आई कि अमृत महोत्सव हम मनाएंगे तब देश के हर घर में तिरंगा पहुंचना चाहिए। यह हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल, अमृत महोत्सव के दौरान 100वां एपिसोड आज पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बना रही है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पे देख रही है, क्योंकि लगातार मुंबई में, खाली महाराष्ट्र में देखा जाए तो 6000 से ज़्यादा कार्यक्रम मुंबई में सेलिब्रेट इस तरह के किए गए। देखिए, कार्यक्रम कितना हज़ार हुआ कितना नहीं हुआ उसका लेखा जोखा हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री हर छोटे व्यक्ति तक पहुँच गए और उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी का धन्यवाद अदा किया। आकाशवाणी एक ऐसी व्यवस्था है, रेडियो के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो, तो उसका उपयोग करते हुए देश के प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के दिल और दिमाग तक पहुंचने का उन्होंने काम किया। मैं